आसमानों बनते हैं और जलील जमीन पे होते हैं <laughs> कमर में तो वैसे अमूमन दर्द हो ही जाता है शादी शुदा लोगों का तो नहीं है लेकिन अंदर अंदर सब चलता है बड़ा खुश हूँ तीनों साथ रखी हुई नहीं अलग अलग अबे साथ रखूंगा तो नहीं, मैं मतलब एक एक उस घर में सकता जो है बॉडी बिल्डर जो है वो नशे में पड़ जाते है वो लगाना बंद किया तो खुश तो हो ही जाएंगे लेकिन उसके बाद बहुत कुछ हो जाता बहुत चीजें <laughs> <laughs> आजकल के जो हैं, वो उनका तब बेसिक चीजें नहीं बताते। आप पतला होना चाहते मोटा होना चाहते हैं आपको ये क्या बनना लेडीज एंड जेंटलमैन दीवाने हैं इनकी बॉडी और विलॉक के सभी पॉडकास्ट में आ गए हैं मिश्कात और वली

जोड़े, क्या जोड़े पे बनते हैं और जलील जमीन पे होते हैं <laughs> आप <जलील> हो रहे? <laughs> नहीं होते है, सब होते हैं। आ, नहीं में नहीं सब क्या आ, बोलता कोई नहीं है लेकिन अच्छा ये ये खुशी के पीछे कुछ और लग रहा है अच्छा नहीं तो अभी तो एक ही है ना आपने पाँच छह साल तो स्पेंड करो यार्ला दुआ करें ये बातें बताई नहीं जाती नजर लग जाती है <laughs> ये बातें बताई नहीं जाती नजर लग जाती है <laughs> नजर लग जाती है वही भाई माशाल्लाह हमेशा हैंडसम लगते हैं आप और खूबसूरत लगते हैं बहुत शुक्रिया आपका और मिस्टर पाकिस्तान आप जब से बने हैं माशाल्लाह 2016 17 की बात है 2015 में बना 15 में जी तो मैं तो जब से आपका फिर फैन हो गया ना क्योंकि हम तो जाहिर है फिर वो एक ही मोहल्ले में रहने वाले <laughs> लोग हैं लेकिन मौका आज छह सात साल बाद मिल रहा है ये इतना आपने लेट क्यों कर दिया मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहे थे आप सर हम तो आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहे बाकी जितने भी हमारे दोस्त हैं सबके लिए अवेलेबल है हम तो चाहते हैं कि अपना जो भी सीखा है लोगों को बताए और <laughs> इसीलिए तो वो भाई मॉडलिंग वगैरह भी की आपने शायद ना एक्टिंग में भी गए बॉडी बिल्डिंग से पहले अच्छी साल से पहले की थी थोड़ी सी उस वक्त शौक था और इतना तजुर्बा नहीं था पता नहीं था किसके पास जाना चाहिए किसके पास नहीं लेकिन जितना भी काम किया थोड़ा बास 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 चाहिए अच्छा इसमें मैंने सुना है मॉडलिंग में कोई गलत हाथ वात भी होते हैं मतलब <laughs> <करेंगा laughs> <करेंगा laughs> तो सच्चाई है अच्छा तजुर्बा नहीं था बट हाँ समय अच्छा, नहीं वो आपने मॉडलिंग पर इसलिए आया क्योंकि मैंने वो मेडिकैम वाल आपका देखा था ना एड आपने बाद बाद बैक बैक आप? मतलब, खूबसूरत हैं और चांस भी मिल रहे थे तो आपने बैक किया या घर वालों की तरफ से सपोर्ट नहीं थी क्योंकि हमारे अमूमन जो है ना मैं पहले बता दूं वली भाई हमारे कोयटा से ताल्लुक रखते हैं लेकिन यार कोयटे वाले लगते ही नहीं है इतना जबरदस्त उर्दू पर क्या है ये सारी बातें बताऊँ ना ने सिखाया अच्छा कराची में रह के उर्दू जो है वो उर्दू बोलने वालों के साथ बहुत अच्छी हो गई हाँ आ, लेकिन अपनी जबान नहीं बोला आती है मुझे पश्तो बोलना एक पश्चोन कोयटेवाल ना हमारे मंजूर साहब हैं बड़े अच्छे हमारे मौलाना वो एक मरतबा ना वहाँ चले गए बदीन की तरफ मुझे अच्छा। किसी ने वाक्य सुना है उनके किसी शागि से सुना कि वहां जब गए तो को जहाँ जाते हैं ना मैं कुछ किसी उसमें नहीं कह रहा बड़े अच्छे लोग हैं माशाल्लाह हम इनकी चाय पीते हैं बड़ी बड़ा मजा आता है वैसे कोयटे वालों की चाय मशहूर है ऐसी। तो ये बदीन जब गए ना तो वहां पर इन लोगों ने कोटेवाल का होटल देखा कोयटा बदीन होटल जैसे लोग आते हैं ना कराची कोटा कराची होटल

बैक करने की दो वजह थी एक तो ये कि कि मुझे ये ये रियलाइज हो गया था कि ये काम जो है ना एक्टिंग हो गया मॉडलिंग सीखना चाहिए। अच्छा ये सीखे बगैर आप नहीं कर सकते ये देखा क्या होता है क्या मतलब वो बिल्कुल था और आज रात खोल चीजे अगर पर्दे में रहे तो बेहतर है लेकिन ये बेहतर ये लगा कि मैं पीछे हट जाऊं और एक्टिंग अच्छी फील थी लेकिन उसमें सीखना चाहिए आपको मुझे बहुत ही सीनियर हमारे हैं किसी ड्रामा में काम किया नहीं हाँ प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम एक ड्रामा आता था, था हम टीवी पे अच्छा उसमें काम किया था मैंने कॉमेडी रोल था मेरा अच्छा इसके अलावा आज टीवी पे एक ड्रामा आया था आ... नाम भूल गया ठीक है खैर

ठीक है अच्छा मैं मैं एक बात आपकी कर रहा हूँ आपने कहा क्रिमिनल का मैं ये सवाल करके फिर मिशिका भाई की तरफ चलते हैं कि वो क्रिमिनल का जो रोल किया तो हमारे इंडिया के बहुत बड़े लेजेंड हैं एक्टर रजा मुराद और मेरी उनसे बड़ी अच्छी दुआ सलाम होती है वो बड़े उनकी भारी सी आवाज़ है बड़े मशहूर हैं और उनको लोग अमूमन जो है ना पसंद भी उनकी आवाज़ की वजह से करते हैं वो अमूमन जो है ना पुरानी फिल्मों में नाइन्टीज के दौर में मिशाद भाई वो विलन का रोल करते थे उसमें ना तो उनको उनके बेटे को किसी ने कहा कि आप जो है ना आपके वालिद तो यार हमेशा जो है ना वो विलन के रूप में आते हैं और जो है ना कपड़े फाड़ रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं तो अमूमन लोग नफरत करते हैं तो उन्होंने जवाब दिया अपने बेटे को कि अगर कोई अब ये कहे तो उनको ये जवाब देना कि हम विलन का रोल करते क्यों हैं वो इसलिए करते हैं कि लोगों को माशरे में बुराई का पता चले और फिर इस बुराइयों से रुके क्योंकि विलन जितनी मार खाता है ना अगर तुम भी ये बुराई करोगे तो ऐसी ही मार खाओगे exactly, ये मैसेज होता है कि हाँ। ये, बिल्कुल ये सोच कर किया आपने भी बिल्कुल वो एक मैसेज था क्योंकि उसमें उसका अंजाम दिखाते हैं कि अंजाम क्या होता है जेल की सलाखों के पीछे तो लोगों को बेसिकली मैसेज ही देना होता है जो भी डायरेक्टर होता है कि भाई लोगों को ये मैसेज जाए कि यार इसका अंजाम इतना बुरा होगा फिटनेस पर भी आएंगे मिश्कात यार आजकल दावतों में जा रहे हो बड़े मुफ्ते फोड़ रहे हो तोड़ रहे हो क्या कर रहे हो किसी ने बगड़ के पकड़ा तो नहीं कभी नहीं हुआ है मामला हुआ है बहुत सारे अच्छा? बहुत, बहुत डिलीट भी इस चक्कर में।, मारा में हुआ यह था कि एक कंटेंट मैंने सोचा था इस तरह का बनाया था आपको पता मैं टेढ़े कंटेंट ही बनाता हूँ सीधा मुझे तो बहुत अच्छा मतलब टेढ़े इस सेंस में कोई करता नहीं वो काम कोई नहीं करता जो मैं कर रहा होता हाँ तो मैंने सोचा कि यार एक शादी में ऐसे घुसते हैं

उनके लिए तो खुशी का आलम था कि यार मिशांत भाई हमारी शादी में आ गए तो वो सेलिब्रेट करने लगा थे इस चीज को कि यार शादी में आया तो पहले जो इस पर पहला, पहला जिस पर मैंने ब्लॉग बनाया था तो उसके बाद मैंने वो अपलोड किया उसके बाद मेरा इरादा नहीं था कि मैं दोबारा बनाऊंगा लेकिन फिर आवाम का प्रेशर आया ऑडियंस का प्रेशर आया कि यार लाखों लोगों तो आई थी इसकी नेगेटिविटी uh, एक जस्ट कंटेंट के तौर पे था ये और ऐसा नहीं है कि मैं किसी को प्रमोट कर रहा हूँ कि यार ये चीज़ करो जस्ट कंटेंट था कि यार ये अगर करें रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करें कोई प्रैंक करें किसी के साथ तो हाँ। क्या होता है फिर मैंने दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवा आठवा नवा दसवा ग्यारहवा ग्यारह अच्छा। पार्ट माशा ला चुके हैं इसके और जो है ना काफ़ी मसले मसाइल भी हुए थे एक हम शादी में घुस गए थे तीसरा या चौथा पार्ट था उसमें हम घुस गए थे तो वहाँ पर जो है ना वो कोई ऊपर के लोग थे अच्छा। तो वो फिर बाद में मेरे पास मेल वगैरह भी आई फिर घर में मसले मेंसायल भी हुए अच्छा, फिर वो डिलीट भी किया दो बार तो मैंने वीडियो डिलीट की नहीं उनका राइट था अगर वो अच्छा। चाह रहे थे कि डिलीट करें तो मैंने डिलीट कर दिया अच्छा हाँ। खातन वगैरह दिख गई थी नहीं खबीन का हम कोशिश करते ना दिखे किसी ब्लॉग में हमारी खवाीन नहीं दिखे हम कोने में जाके बैठते हैं और सबसे अच्छा वार्ड वो था कि सोनू भाई को मैंने लड़की बनाया था बुरका फैना के अंदर अच्छो, शादी हाँ, में अभी रिसेंट में मैंने किया था तो उसमें टेन मिलियन व्यूज तो फेसबुक पे गए बाकी पांच छह लाख व्यूज यूट्यूब शॉर्ट्स पर सबसे ज्यादा किस वीडियो पर भी, आपके व्यूज शॉर्ट्स पे मैंने एक डाली थी चिक्स पे बनाई थी मैंने अच्छा। तो उस पे सत्तर मिलियन व्यूज है अच्छा। और एक और चिक्स पे बनाई थी उस पर साठ मिलियन व्यूज है व्यूज्यूब पे वो जो आपको गायें चाट रही है वो क्या सीन है क्या गाय गाय थी है कोई बछड़ा है नहीं नहीं वो बछिया <laughs> को बचिया बछड़ा हाँ। बड़ा खुशी <laughs> से विश्वासिया नहीं तो बछिया ही को चढ़वाएंगे जाहिर सी बात है अब बछिया जो है वो मेरी बड़ी पालतू है बसंती तो सबसे पहले हम बसंती लाए थे जो बहुत वायरल हुई थी सही तो वो बड़ी गाय थी

शुतर तो अच्छा। मुर्ग है शुतर मुर्ग पूरा सालिम बनवाया था हमने पका के? पका के। फिर खिलाते हो लोगों। हाँ, पका के लोगों को खिलाते हैं और अच्छे रेस्टोरेंट पे कभी हवेली में कभी इधर उधर अच्छा। और उसमें ये होता है चले आइंदा आपको भी बुला लेंगे नहीं अच्छा यार गरीब क्यों गरीबों हाँ। गरीब 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 की दावत है तो हमें क्यों नहीं बुलाओगे यार पूरी टीम को बुलाओ बल्कि नहीं इंशाल्लाह जरूर बुलाएंगे हमने सालिम शुतर मुर्ग की दावत की है सालिम ऊंट की दावत की है सालिम गाय पूरी गाय उसमें हमें इंडिया से काफी गालियां पड़ी थी लेकिन हमने सालिम गायें की दावत की है काफी हमने इस तरह की, का, की आ, काम किए ज्यादा व्यूअर्स कहाँ से पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश इंडिया या बाहर के लोग इंडिया से भी बहुत है सऊदी अरब से भी बहुत है अमेरिका से भी बहुत है काफी अच्छा, पाकिस्तानी मतलब, है जो बाहर हैं मतलब सीआरपी सीपीएम अच्छा बन रहा हां अच्छा बन रहा यार बटन क्यों जलाया आपने बटन क्यों जलाया मैंने आपको बोला मैं सारे काम टेढ़े करता हूँ मुझे किसी ने कहा भाई इसको व्यूज व्यूज बहुत ज्यादा चाहिए था मैंने कहा पहले ही आ रहे हैं कहने लगे यार इसने बटन जलाया और ये ओरिजिनल नहीं है मैंने कहा ओरिजिनल बटन आखिर में काटा भी है इन्होंने उसको ओरिजिनल है मेरे पास रखा हुआ है ओरिजिनल बटन है वो और नहीं, नहीं जो काटा है आपने जो हाँ, जलाया हाँ ऑरिजनल हाँ, 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 है ओरिजिनल बटन है मुझे काफी लोगों ने बोला था ये कंटेंट अगर आप बना रहे हो तो आप एक बटन ले लो दराज से ऑर्डर कर लो अगर इस पर रिएक्शन करे कोई डिलीट कर दे YouTube देखिए YouTube क्या एक एहसास है ना उनकी तरफ से नहीं YouTube को कंटेंट चाहिए YouTube को चाहिए कि कंटेंट हो अब देखें, ऐसा कंटेंट YouTube की वो तो है ना ने YouTube ने तो मुझे इस पे कुछ भी मोनेटाइजेशन भी है अच्छा हाँ कोई मसले मसाले नहीं है कोई क्लेम वगैरह नहीं नहीं अच्छा चलो मसरूफ है यूट्यूब ना <laughs> पाकिस्तान में होते नहीं, नहीं, तो कर देते नहीं नहीं ये इस पर कोई मसला नहीं होगा हमें पता होता है कि यूट्यूब कहाँ मसला करेगा कहाँ नहीं करेगा अच्छा नहीं ये रीजन तो नहीं था कि यार ओरिजिनल गोल्ड का नहीं है हाँ तो यही तो रीजन था

कहीं आपको नहीं दिखेगा मैंने सेलिब्रेशन की हो अच्छा है कि हमारा ये टारगेट है ही नहीं हमारी मंजिल ही नहीं है हाँ। असल अच्छा, में, लोग में देनी कर दी। ये क्या सीन ये कि हम लोग चूंकि कॉमेडी करते हैं तो काफी वालदेन ने आके यार बच्चे तुम्हें बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं बच्चे मतलब पूरा दिन एलईडी से चिपके रहते हैं और हमें देखते रहते हैं एक के बाद एक आता रहता है तो वाले ने हमें आगे कहा कि यार कुछ अच्छा काम करो ऐसी चीज़ करो कि बच्चे फॉलो करें ठीक है तो चूंकि हम तो नमाज वैसे ही पढ़ते हैं और आजान वगैरह भी मैं दे रहा होता था हाफिज कुरान भी अलहमदुल्ला तो ये कि मैंने कहा यार वो चीज ब्लॉग में भी दिखाई जाए ताकि बच्चे उस चीज़ को फॉलो करें बच्चे सिर्फ वो छपाटर वपाटर ये ना सीखें हाँ। ये भी देखेंगे यार इनका अलग रुख भी है और ये लोग नमाज वगैरह पढ़ाते तो हमें काफी बच्चे नमाज पे आए माशा गुड तो हिफ़्स जो किया है मतलब आपने कुरान का हिफ़्स किया माशात याद है कुरान अलहमद तरा पढ़ाते हो तरावी पहले पढ़ाता था लेकिन अब चुके मसरूफियात बहुत ज्यादा है तो, तो अभी तकरीबन चार पाँच साल हो गए तो भूल नहीं गए नहीं रिपीट नहीं, कर रहा हूँ मैं पढ़ रहा था माशाल्लाह अच्छा ये।, ये आज बता दो वालिद साहब जो है मस्जिद के इमाम है, बेटा विलोगर बन गया, क्या किससे मुतासर हुआ से नहीं नहीं डकी तो उस वक्त था भी नहीं हमने तो हम तो आठ साल से काम कर रहे हैं सही है तो फनफिन से शुरू किया फनफिन से स्टार्ट किया दो हजार सोलह में स्टार्ट किया पहले हाँ एडिटिंग भी मैं खुद करता था

क्या था मैं भी शादी आपने नहीं मैंने नहीं, नहीं है ना वो जिसने जिसका भी था, उसमें... वो पी का था वो। आ, तो उसने भाई को मार दिया यार क्या करवाना है की बड़े आदमी बन गए भाई अब ये कुछ भी कर सकते हैं अच्छा टेन मिलियन पर अगर सेलिब्रेशन करेंगे बस फिर ये आखिरी सवाल फिलहाल कर रहा हूँ वली भाई की तरफ आते हैं तो सेलिब्रेशन करने का इरादा है और अगर करेंगे किस किस को बुलाएंगे किसको बुलाना चाहते हैं टेन मिलियन पे मैं किसको बुलाना चाहता हूँ देखें मेरा पता नहीं क्या है कि मतलब पांच लाख भी सब्सक्राइबर होते थे वन मिलियन भी होते हैं काफी लोग समझ रहे थे सेलिब्रेशन करेगा ये तो आसमान पे उठा देगा सबको मेरा पता नहीं क्यों है कि मतलब मैं ना नहीं होता इन चीज़ों पे खुशी नहीं होता मैंने भी नहीं किया यार मेरे अभी साढ़े तीन है जब मुझे सिल्वर मिला कोई सेलिब्रेशन नहीं बस मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है अलहमद लाला हाँ बस असल ये है कि हमारी फील्ड ऐसी है हमारी फील्ड में कहीं जाके बंदा रुकता नहीं है और जहाँ रुक गया ना तो समंदर की तरह है हमारी फील्ड हाँ। आपकी और मेरी फील्ड कि जब तक बंदा तैरता रहेगा हा, हाथ पांव चलाता रहेगा तो ऊपर रहेगा जहां बंदे ने एक हफ्ते के लिए भी छोड़ा ना तो डाउन खत्म डाउनफॉल <laughs> आता है तो ये हमारी फील्ड कोई परमानेंट नहीं है बस ये कि शौक का काम है तो शौक में बस बंदे को जितनी अचीवमेंट आ रही है अच्छी बात है और इसके थ्रू बंदा जितना आवाम को हंसा सके कर सके खुश कर सके अच्छी बात है हंसाने का मूड होता है लोगों को या सिर्फ बस हर तरह का बना लेते हो नहीं ज्यादातर तो हम कॉमेडी बनाते हैं हालांकि ये हमारा था 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 ही होता है और कोशिश करते हैं हम बच्चों को हंसाएं क्योंकि बच्चों के लिए ज्यादातर कंटेंट बना रहे होते हैं

नहीं मैं ट्रेनर नहीं बना पहले मैंने खुद स्टार्ट था तो मुझे फील हुआ यार, तो अच्छा, अच्छा, तो मुझे मुझे अच्छा। यार बॉडी बिल्डिंग क्योंकि एक होता है ना इंसान को फील हो जाता है अगर कुछ किए पुशअप्स वगैरह लगाते थे घर बन रहा था ना जब घर बन रहा था तो उसमें जरूरी है हम सबके लिए जब घर बन रहा था तो एग्जैक्टली तो मजदूरों के साथ ना मैं भी साथ में काम करता था अच्छा तो मजा आता था कि उनके साथ तो मैंने जब वो थोड़ा बहुत गेंदरी वेलचा चलाया ना तो मुझे लगा यार ये भी बनना शुरू हो अच्छा। तो गया फील हो गया कि यार मसल बन सकते हैं सही फिर मैंने स्टार्ट किया बॉडी बिल्डिंग ठीक है और दो में स्टार्ट किया फिटनेस के लिए क्या चीजें जरूरी है वली भाई आप क्या समझते हैं आजकल जैसे लोग जिम ज्वाइन कर देते कर लेते हैं और उल्टा सीधा लगा के कमर में दर्द शुरू हो गया कमर में तो वैसे अमूमन दर्द हो ही जाता है शादीशुदा लोगों का तो हो ही जाता है भाई आपका नया नया एक्सपीरियंस है जिनका हाँ, जिनकी तीन उनके ज्यादा होने चाहिए यार मैं चीजें जो है ना वो अच्छी इस्तेमाल करता हूँ दूध पीता हूँ और मैं जो है वक्खन खाता हूँ और देसी मुर्गी खाता हूँ लगता नहीं आपकी बॉडी में नहीं मैं हम तो करता तीन शादियों के बाद जिम करने की जरूरत मेरे ख्याल वो <laughs> <laughs> तो एक अलग वो तो अलग पुशअप अगर आप उस तरफ जा रहे तो लेकिन यारे जो ना उमर सुबह सुबह पार्क में जाके जो पुशअप लगाता हूँ ना मैं तो मैं पंद्रह बीस पच्चीस लगा के फिर मैं वॉक करता हूँ ज्यादा ना सही, हाँ, सही, दौड़ता रहता हूँ जहाँ तुम अक्सर वो व्लॉग बनाने आते हो ना वहाँ ईशान पार्क हाँ, तो वहाँ जाता हूँ अच्छा, चला जाता हूँ हाँ। सही घर है मेरा करीब तो आपसे आप एक सवाल है यार तीन आपने ऐसा लग रहा है, है मैं किसी पॉडकास्ट में आया <laughs> आप भी तो जवाब देना यार तीन शादियां माशाल्लाह की हैं कैसे मैनेज करते हैं यार तीनों साथ रखी हुई नहीं अलग अलग अबे साथ रखूंगा तो मतलब मैं फिर एक उस घर में मैं नहीं रह सकता फिर <laughs> तो किस तरह मैनेज करते हैं आप तीन शादी यार बस मैंने नहीं जैसे कर लेता हूँ कि मिशकात शादी जो है ना जब मैं कर रहा था ना क्योंकि मुझे पता था कि यार मैनेज नहीं हो पाता नहीं हो पाया तो मैंने ये कहा कि भाई जब मुझे मौका मिलेगा मैं तब आऊंगा सही है अपने हुकूक माफ करा लिया बस यार मैंने नहीं, नहीं कर सकता था वो पीछे लगी हुई थी दोनों तो कहे करनी है करनी है तो मैंने कहा भाई तो ये वर्बली हुआ है एग्रीमेंट इस पे मतलब नहीं कोई एग्रीमेंट वर्बली मतलब मतलब हुआ है कि यार मैं जब मौका मिलेगा मुझे तो जुबान ही उसकी जो वो पहचान है सही बात है अच्छा तो बोली भाई फिटनेस के लिए क्या चीजें जरूरी है भाई इतने स्लिम लग रहे हैं मुझे तो हैरत भी इनको इतने दिनों बाद देख के थोड़े से मोटे थे अभी तो माशाल्लाह काफी यार आजकल के हिसाब से अगर मैं एक वर्ड में बताऊं और मैंने कहा वो दर्द वर्द हो जाते हैं उल्टे सीधे लगा लेते हैं पुशअप उल्टे सीधे लगाते हैं कोई वजन उल्टा सीधा उठा लेते हैं बेसिकली जाहिर है वो आप आजकल के इंस्ट्रक्टर्स जो है वो उनका ध्यान मतलब बेसिक चीजें नहीं बताते इतनी अच्छा मैं समझता हूँ कोई भी नया है तो उनको पहले बेसिक चीजों पे बताना चाहिए गाइड करना चाहिए उसकी मेजरमेंट्स लेनी चाहिए यहाँ पे तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है सही यू में था तो वहाँ पे तो ट्रेनिंग का जो एक तरीका है पहले तो मेजरमेंट्स लेते हैं बिफोर आफ्टर की कि भाई आपका फिर उसकी हिस्ट्री पूछते हैं कि भाई आपने कोई पेन या कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ आपका अच्छा। ये सब चीजें पूछी जाती हैं उसके बाद फिर उससे उसका डेली रूटीन पूछा जाता है कि आप करते क्या है आपका लाइफ क्या है अच्छा फिर वो उससे पूछते हैं आप चाहते क्या हैं ठीक है <laughs> कि मतलब आप पतला होना चाहते हैं मोटा होना चाहते हैं अच्छा। आपको ये बनाना है या हर शौक होते पतला हैं चाहते मोटा चाहते हैं 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 पतला चाहते 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 मोटा क्या क्या बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? किस, कुछ कुछ लड़कों का शौक होता है मुझे बाजू बनाने हैं किसी का तो फिर उस हिसाब से उनका प्लान बनाया जाता है सही है तो प्लान उनको बता के बेसिक बिल्कुल स्टार्टिंग कमी है पाकिस्तान में बिल्कुल ज्यादा अवेयरनेस नहीं है लोग बस एक लकीर के फकीर ही है मतलब जो एक शुरू से चलता आ रहा है ना वही चल रहा है

उस्ताद ने सिखाया है हाँ। जो उस्ताद ने बताया है वही आगे वो बता रहे हैं लेकिन ये नहीं पता कि उस्ताद ने जो सीखा है वो कहाँ से सी सीखा है वली भाई तो जो है बॉडी बिल्डर जो है वो नशे में पड़ जाते हैं मैं समझता हूँ बॉडी बिल्डिंग नशे से दूर करती है आपको अच्छा मेरा ये मानना है तो ये कि ये मुझे लग जाता है वो बॉडी बिल्डर्स शायद वो पहले की आदि हूँ बॉडी बिल्डर्स तो नहीं बनना चाहिए नशे में हाँ आप उसके

वो लगाना बंद किया तो फुस तो वही जाएंगे लेकिन उसके बाद बहुत कुछ हो जाता <laughs> <नहीं। laughs> है भाई आपने यूज़ किए वो इंजेक्शन नहीं 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 अल्लाह माफ़ मैं मैं वैसे बॉडी बॉडी दिखा सकते हो <laughs> <आ>, ये यार <वाँ। laughs>

झूठ है नहीं नहीं बिल्कुल बन सकती है अच्छा सकती है। हमने तो पचास साल की उम्र के बाद के लोग भी आए तो हमने उनकी भी मसल बनवा दी है अच्छा शादी बा... के बाद तो बड़े हो जाते हैं चीजें मतलब मसल मसल बड़े <laughs> तो खुल के, मसल। खुल के अच्छा एक्टिविटी में होते ना शादी पर घर जाते हो बीबी खुश रखती है आपको जब आप खुश रहते हो तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक बनती है ऐसी ही है अभी तो रो रहे थे शुरू में नहीं नहीं वो तो कह रहे चलती <laughs> रहती <वारे. laughs> है बात है है सही रोना कभी कभी, आ, खुशी कभी कभी हंसना खुशी गम वाह वाह अहमद अहमद तुम आ, तुम हो गए थे के पॉडकास्ट में और मुझे अच्छा लगा था वो और बहुत सारे लोगों ने सराहा कौन अच्छा विलोकर नहीं है कौन गलत कंटेंट बना रहा है बच्चों को या लोगों को फैमिली को बिगाड़ रहा है फैमिलियो को फैमिलियो को तो छोड़ दो बच्चों को बिगाड़ रहा है यार यासिर भाई बड़ा वो क्या कहते हैं कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल है क्योंकि पिछली बार भी मैंने काफी चीजें फिर फेस की थी कि यार क्या बोल रहे हो तुम जहल हो रहे हो तुम हसद का शिकार हो क्या मतलब अपने व्यूज 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 कम आ रहे हैं हैं क्या जो सो? नहीं अच्छे बस एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था उसकी वजह कि हम चूंकि मुसलमान है हाँ। सही है इस्लाम को फॉलो करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि जो लोग इस तरह का कंटेंट बनाते हैं अच्छा उनके कंटेंट बनाने से मुझे मसला नहीं है आप बनाओ लेकिन उनको लोग फॉलो कर रहे हैं हमारे बच्चे फॉलो कर रहे हैं अपनी फैमिलीज को दिखा रहे हैं अपनी औरतों को दिखा रहे हैं फिर वो दिखा दिखा के व्यूज कमा रहे हैं तो ये चीज गलत है यार लोग क्या चारे? देख रहे हैं मैं देख रहा हूँ मैं नाम लिए बगैर बात कर लेता हूँ बहुत सारे लोग हैं बहने वो वीडियो बना रही है ए, उनके साथ हमारे डकी भाई भी लगे हुए हैं और वो ए वन वन ट्रेंडिंग पर चल रहे हैं मतलब यानी लोग खुद देखना चाहते हैं कंटेंट मुश्कत देखें हमारी पाकिस्तानी जो कॉम है ना वो उसको घरों में घुसने का बड़ा शौक है सही है हाँ, आपने हाँ, देखा होगा दरवाजा खुला झांक हाँ, रहे होंगे झांक रहे होंगे नहीं इस सेंस में नहीं कि यार उसके घर में क्या हो रहा है अच्छा उसके उसका ये मसला चल रहा है अच्छा ओ माय गॉड खात होती है ना सारी की सारी हाँ, तो खवतिन इनको बहुत फॉलो करती है कि अच्छा इनके घर में ये चल रहा है इनको तो इतना भी याद होता है कि इनके घर पे टेबल पे क्या चीज रखी होती है क्या बनता है फिर अजीब अजीब कंटेंट के यार ये मेरी वाइफ अल्लाह अल्लाह माफ करे प्रेग्नेंट हो गई कभी कुछ कभी कुछ मतलब उल्टी सीधी हरकत मतलब है क्या चीज रह गई यार हर चीज तो दिखा दी तो हर चीज दिखा दी पर्सनल रह, रह गई है लेकिन हाँ देखें अल्लाह तला ने फरमाया ना औरत का मतलब क्या है औरत का मतलब औरतल छुपी हुई चीज अब आप वो जो छुपी हुई चीज है उसको दिखा रहे हो और उसके जरिए व्यूज कमा रहे हो फिर लोग उनके बारे में जब कमेंट्स कर रहे हैं तो फिर आपको बुरा भी लग रहा है यार कमेंट्स क्यों कर रहे हैं आ, फाहद मुस्तफा ने एक शो में कहा शायद तुम्हारे इलम में होगा के में कहा कि मैं अपनी फैमिली नहीं बेचता। सही कहा ये जुमला सही का, फैमिली, आ, फैमिली दिखा के चले कभी दिखाती तो है तुम कभी दिखाओगे बुरके में भी किसी को नहीं नहीं इनशा तो क्या समझते हो मतलब डकी और मास सफदर में कौन बेहतर है डकी और मास सफदर में कौन बेहतर है देखे क्वालिटी दोनों में होंगी लेकिन ये कि दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे यूट्यूबर अच्छे हैं लोग अच्छे हैं सफ दर से मेरी बात वगैरह भी होती है लेकिन ये के आ, उनके कॉन्टेंट मुझे है दोनों के दोनों अच्छा कौन है इस वक्त आपके अलावा अच्छा व्लागर कौन है मुस्तफ़ा मुस्तुफ़ा मुझे अच्छा लग, लगता है मुस्तफ़ा मुस्तुफ़ा बहुत अच्छे व्लागर हैं बाकी हमारे साथ के लड़के हैं फहाद है जो अच्छे कंटेंट दे रहे हैं वेम्पायर है अच्छे अच्छे कंटेंट दे रहे हैं वो झूठ बोलता है उसने कोई बंगला नहीं लिया उसने कोई गाड़ी नहीं ली वो झूठ बोल के वो लो... उसका पर्सनल मैटर तुम, तुम तो है मुझे नहीं पता नहीं पता हाँ ये कॉन्टेंट में बचारा दे रहा आपको बहुत सारी चीजें फेक होती है अच्छा आप फेक करते हो मैं ज्यादातर नहीं करता कहीं ना कहीं हमें प्लान करना पड़ता है फेक नहीं होता वो प्लान होता है अच्छा कि ये चीज़ प्लान है इसको इस तरह शूट किया जाएगा क्योंकि हमारा काम बेसिकली आम को इंटरटेन करना है ठीक तो है तो इंटरटेनमेंट में अगर कोई ऐसी चीज हम डायरेक्ट दिखाते हैं तो बुरी बात होती है हम प्लान करके अगर करें रहे ज्यादा बेटर रहते हैं हमारे लिए अब मिसाल के तौर तो पे बहुत सारे प्रैंक्स बन रहे थे जिसपे रियल कर रहे थे तो बड़ा नुकसान हो रहा था मोबाइल स्नैचिंग प्रैंक कर दिया तो उस चक्कर में मर गए गोलियां मार दी तो वो बड़े मसले मसाए थे उसी चीज को नादिर अली जैसे सारे प्रैंक फेक फेक करता है नाजिर अली के सारे प्रैंक्स फेक हैं। शुरू से शुरू से क्योंकि मैं मैं खुद नाजिर अली की एडिटिंग कर चुका हूँ शुरू से शुरू से अच्छा हाँ वो जरा अटके पे थे नहीं, पकाओ। पकाओ फेक है। सही, सही है, है बट ये कि मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ क्योंकि उसका काम है को हाँ तो है को को करना यार लोगों में खड़ा लोग के कैसे करेगा बिल्कुल ऐसी पर ये के मसले मसाले होते हैं बहुत सारे और कोई भी बंदा इस तरह आपको रिएक्ट नहीं करेगा वो खतरनाक भी कर सकता है गन भी निकाल सकता है मुझे तो ये लगता है क्योंकि जो है ना मैं नादिर अली के करता था दो हजार नादिर अली को भी नहीं पता

कम हो गया व्लॉग के बाद क्या इरादा है व्लॉग के बाद इंशाल्लाह अच्छे काम करेंगे तो अभी अच्छा नहीं कर रहे अच्छे और عوام की ख़िदमत का काम करेंगे इंशाल्लाह नहीं मतलब सोशल मीडिया पे जो अपना जो चैनल है इसको कैसे आगे लेके चलोगे इसमें भी और अच्छी चीजें ऐड करेंगे इंशाल्लाह बहुत चीज हमने गलत की है, वक, है। अच्छा हां मसलन की? बहुत सारी चीजें हमारे साथ कुछ लड़के थे जो थोड़ा बैड लैंग्वेज यूज हो गई ब्लॉग में डबल मीनिंग वो चीजें लेकिन मैंने नोट किया कि यार वो तो तुम करते भी हो वैसे नहीं अब काफी कम कर है हमने तो बल्कि मैंने तो छोड़ी हुई है मुसलसरा लेकिन ये है कि इससे बैड इम्पैक्ट जा रहा था बच्चे गलत चीज़ें सीख रहे थे अल्फाज का चुनाव हमारा थोड़ा गलत था क्योंकि अब कॉमेडी में ना काफी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है तो इनशाला अच्छे से अच्छा करेंगे एक और सवाल जोड़ देता हूँ बुलबुले ड्रामा की आजकल जो है ना वो मेरे ख्याल से मैंने कुछ रोस्टिंग देखी उनकी जाए? कि उन्होंने कुछ इस तरह की डबल मीनिंग और जूम आईनी बातें जो है ना बहुत सारी की हैं और लोग समझते थे कि फैमिली कॉन्टेंट है वाली भाई ये सवाल आपसे भी है मिश्कात के बाद आप भी इसका जवाब दीजिएगा तो ये क्या समझते हो मतलब यानी कि ये जानबूझ के इन्होंने किया या लोगों ने ऐसे निकाल दिया कि यार ये ऐसा हुआ है अच्छा बुलबुले ड्रामा मैंने तो मैं इतना फॉलो नहीं करता तो और ना मुझे इस बारे में, इतना में चार कैरेक्टर बस वो।, वो तो मुझे पता है चार कैरेक्टर है लेकिन ये कि ये जो जूम आने वाली बात है इसका मुझे इल्म नहीं है नहीं अभी चल रहा है ये। अच्छा हाँ इस पर कुछ लोगों ने रोस्टिंग की है तो अग, होगा हुआ अगर, हुआ हुआ। अगर कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं अगर खुद से कर फैमिली कॉन्टेंट फैमिली जाता है बिल्कुल ऐसी ठीक है मिशकात मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी लगती है और मैं हमेशा दूसरे लोगों में और दूसरे पॉडकास्ट में प्रोग्रामों में शायद तुम्हें लोगों ने नहीं बताई हो नहीं देखी है, तुमने क्योंकि टाइम ही नहीं है लेकिन मैंने तकरीबन पांच से छह प्रोग्रामों में इसका जिक्र अभी तक कर चुका हूँ तुम वाहिद विलोगर हो पाकिस्तान के जो मुझे बेहद पसंद हो मुंह पे नहीं कह रहा अच्छा। मैं पीठ पीछे बात कर चुका हूँ कई मरतबा और मैं इस बात को भी सराहता हूं और मैं भी यहाँ पर यही कई लोगों से कह चुका हूँ कि जो मिश्का कहता ना मैं भी इन लोगों के खिलाफ हूँ और ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल मैं तो डेट कल्चर के खिलाफ हूं यार चौदह फरवरी को हमने मैं भी शादी करूँगा दो

उन गलतियों को लेके ढंडोरा पीटना और उसको लेके हाँ। चिंगम की तरह खींचना ये गलत चीज़ है सिंपल सी बात मिश्काद भाई मिश्काद भाई आपने गलती की यही लोग आपको गाली देकर कितने अच्छे मुसलमान है, हाँ, है ना हाँ बिल्कुल आपकी सारी बुराइयां उन्होंने अपने सर पे ले लिया हाँ। और अल्लाह ताला ने जब फरमा दिया कि अल्लाह ताला जब सारे गुनाहों को माफ कर देता है यादी अशरफोन जमीया सारे गुनाहों को माफ कर देता है बंदा सिर्फ एक बार अल्लाह की तरफ और अल्लाह उसको गुनाहों को भी नेकियों नकियों तब्दील कर देता है तो ये कि इंसान की मजाल क्या है कि किसी इंसान के बारे में बोले कि यार ये 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 ऐसा मुख्तार से जवाब दे दो कोई ऐसा कॉन्टेंट जिस पर अफसोस है आज तक आ, अफसोस है ऐसा कोई कंटेंट अफसोस वाला नहीं है हाँ बहुत सारे ऐसे बैड सीन है जो हमें नहीं करने चाहिए थे ठीक है जैसे हम पहले पुलिस की वर्दी यूज करके जैसे एक नॉर्मल टेबलो वगैरह में होती है हमें उन चीजों की बारीकियों का नहीं पता था कि यार क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए तो वो हमने कुछ गलतियाँ की थी जिस अफसोस है कि नहीं करनी चाहिए थी अच्छा मसलन मसलन ये कि एक बार हम लोग पुलिस की वर्दी जो नॉर्मल आर्टिफिशियल होती है उसमें शूट कर रहे थे तो उस चक्कर में ये है कि पुलिस ने फिर छापा मारा फिर हमने उनसे बहस की फिर हम थाने गए थाने में बंद रहे आठ नौ घंटे फिर अच्छा ये हुआ है बहुत सारे इस तरह के सीन हमारे साथ हुए हैं

तो वो बिल्कुल वो आप सही कह रहे थे साइलेंट काफी इन्होंने इस तरह की बल्कि बुरे नहीं है लोग बुरे लोग देखना चाहते हैं इस तरह की कॉमेडी अब अच्छे बुरे हैं ये लोगों पर छोड़ लेकिन अब ज्यादा जिस तरह आप माशाल्लाह अच्छी कॉमेडी बना रहे हैं लोगों को दिखा रहे हैं बच्चों के लिए मैं बड़ी अच्छा लगा मुझे कि इन्होंने स्पेशली कि ये हैं कि बच्चे करें अच्छी चीजें तो बिल्कुल इस तरह की तो वो भी देखेंगे, लेकिन यासर भाई इस पे करना यार लोग ये देखना चाह रहे तो मैं यही बनाऊँ ये गलत है आप ये बताए कोई बंदा सोच सकता है कि तबलीगी जमात पे कंटेंट बनाएगा इतना वायरल हो जाएगा उस वक्त किसी यूट्यूबर ने सोचा था लेकिन सारे बना रहे अब सारे बना रहे पहले हमने हमने खुद स्क्रिप्ट की थी और हमें भी नहीं पता था इतना वायरल हो जाएगा हाँ। लेकिन हमने बोला यार हम चीज़ों में अपनी फनफिन की चीज़ों में इस्लामिक टच भी दें लाजमी उसकी वजह यह है कि हम मुसलमान हैं हाँ। सही है एट दी एंड ये जब हिंदू लोग अपनी दिवाली अपने कल्चर को दिखाते हैं अंग्रेज लोग क्रिसमस को जब करते हैं तो हम मुसलमान होकर ये चीज़ें क्यों नहीं दिखा रहे हमें लाजमी दिखाना चाहिए हम जो अमल कर रहे हैं वो भी लाजमी दिखाना चाहिए इस नियत से कि हमें आवाम फॉलो करती है ठीक है और अगर हम कोई दुआ पढ़ के सुना रहे हैं ब्लॉग में तो उस पर यह नहीं है कि रिया है।, है वो ये है कि

रोजा रखे बताओ सबको कि मैंने रोजा रखा इस्लामी तरीके से मैंने नहीं देखा कि वो नमाज पढ़ता हूं मैंने नहीं देखा कि वो आ, कोई ईद का त्यौहार मन लेकिन हम लोग क्रिसमस बड़े शौक से मना रहे हैं हम लोग दिवाली होली बड़े शौक से मना रहे वो अगर हम बात बाकायदा तौर पर उनके उस दिन पर नहीं मना रहे ना तो हम शादियों पर जो है ना वो मिश्त को हमने रंग मारकर <laughs> जो है ना होली मना ली एक तरीके से अंडे मार दिए अल्लाह माफ़ करे तो आप क्या समझते हो यार ये मुसलमान मुसलमानों को ऐसा करना चाहिए हम क्या कर रहे हैं कहाँ जा रहे हैं देखें कल्चर तो हम अपना तो भूल ही गए और हम दूसरों का कल्चर फॉलो कर रहे हैं अच्छा ये चीज़ भी अब देखें सोशल मीडिया पे जहां बहुत अच्छी चीजें भी है ना तो वह इस तरह की चीजें भी बहुत है कि लोग उसकी माशरे में इंडियन फिल्म्स का बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है आपको अगर अंदाजा हो तो तो ही काफी ही पाकिस्तानी ड्रामा बहुत बेहतर है पाकिस्तानी ड्रामे तो मैं जितना मैं अभी ज्यादा जितना देख पा रहा हूँ बहुत बेहतर है उसमें फिर भी हमारा कल्चर कहीं ना कहीं नज़र आता है लेकिन इंडियन फिल्म्स में हमने उनका बड़ा कल्चर अडॉप्ट किया हुआ है ठीक है तो वली भाई मैं समझ गया वली भाई जब मिस्टर पाकिस्तान बने उस वक्त फीलिंग क्या थी हां वो तो अमेजिंग फीलिंग्स थी बिल्कुल ऐसी फीलिंग्स थी कि जैसे कि सोचा तो बन जाओगे कमाल नामा सीधे हाथ में मिल गया <laughs> <laughs> ऐसी फीलिंग्स थी अच्छा। भाई वो मतलब बड़े खुशी का एक सोचा था बिल्कुल मेहनत बहुत की थी 90 दिन की तैयारी थी मेरी अच्छा तो नबे दिन की तैयारी में सबसे मुश्किल काम था डाइट को, को करना क्योंकि मुझे जीत नहीं पाऊंगा तो अच्छा। उस पर साइड इफेक्ट हुए आपको कुछ बिल्कुल हुए साइड इफेक्ट मुझे जो मोटा मोटा साइड इफेक्ट मैं सबसे पहले की आपका मूड स्विंग अच्छा मूड स्विंग हमेशा आपका मूड स्विंग रहता है और फिर आपके जना बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं अच्छा दूसरा आपके जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट जो मुझे लगता है कि वो आपके जो नेचुरल है ना वो आपके वो बॉडी अच्छा। में जो ना वो फिर लूज हो जाते हैं लूज हो जाते हैं आप जो डाउन फील करते हैं अच्छा जब आप लगा रहे होते हैं ना तो बड़ा एनर्जेटिक फील कर रहे होते हैं अच्छा। आप एक इंसान में चार आदमियों की ताकत आ जाती है अच्छा, जैसे लेकिन जैसे ही आप वो छोड़ते हैं तो आपको एकदम से नॉर्मल हो जाते हैं आप तो आपको महसूस होता है यार क्यों नहीं रखा क्योंकि मुझे लगा ये ऑर्गन फेलियर की तरफ जाएगा अच्छा मिस्टर मिस्टर एशिया एशिया के के लिए लिए अप्लाई करना चाह रहे थे या या किया था या सपोर्ट मिल रही थी के लिए मुझे सपोर्ट भी थी बिल्कुल और मुझे स्पॉन्सर भी मिल रहा था अच्छा लेकिन मैंने खुद उसका फैसला तर्क किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैं उसकी तैयारी करूंगा ना तो मैं अपने आप को ख़राब कर दूंगा अच्छा क्योंकि ये जो इंजेक्शन वगैरह ना ये आपके ऑर्गन को फील कर देता है और फिर बाद में जाके जाकरी फाइव आपको उसके साइड इफेक्ट्स आते हैं और आप जो उसका बीमारियों मुख्तलिफ़ बीमारियों में खासतौर पर लिवर और सबसे जो बड़ा नुकसान है वो खून गाढ़ा करता है आपका ये आपको तो नहीं भी ऐसी कोई चीज नहीं मैंने बड़ा टाइमली इसको क्लोज किया और उसके बाद इसका क्लीन किया इस चीज़ को क्लीन किया और उसके बाद से मैंने दो के बाद से अभी तक मैंने ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की तो वो ये कुदरती सिस्टम होता है वो ड्रेन आउट हो जाता है आपकी बॉडी से सही है। लेकिन सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट है वो खून गाढ़ा करता है जिसकी वजह से आपको लेवल बढ़ एल डी जो आपका एलडीएल एचडीएल लेवल है हाँ। जो गुड कोलेस्ट्रॉल है हाँ हाँ। वो कम हो जाता है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो अच्छा। बढ़ जाता है एग्जैक्टली exactly. अच्छा तो इसमें आपने देखा होगा जितने भी बॉडी बिल्डर हमारे बेचारे भाई जितने भी वफात पा गए हैं जो मरे स्टेज पे तो वो कार्डियक अरेस्ट की वजह से मरे अच्छा क्योंकि ये आपका खून गाढ़ा कर देता है ये पता है भाई आपको ये बात हम्म ये पता है मुझे कि इंजेक्शन का नुकसान होता है लेकिन डिटेल में जैसे भाई ने बताया ये थोड़ा सा मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि लोगों को अवेयरनेस हो क्योंकि आजकल जिम्स में ना बस जाते हैं ये कारोबार बना हुआ है आप आएंगे आपको मैं बोलूंगा यार ठीक है आप ये 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 कोर्स कर लो तो तो आप बन जाओगे तो शॉर्टकट की तरफ कभी ना जाएं। अच्छा। मेरा एक मैसेज है सबके लिए कि शॉर्टकट की तरफ ना जाए क्योंकि बॉडी बिल्डिंग ना ये एक लॉन्ग जर्नी है सही ये अपना टाइम लेगा ये सालों का गेम है ये महीनों में नहीं हो सकता तो अगर आप महीनों में करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली उसके साइड इफेक्ट्स होंगे बॉडी बनाने का कोई नुकसान आपने उठाया कभी

टेक्निकल जो आपको अपना तारुफ कराना पड़ता है ठीक है लेकिन बॉडी बिल्डर अगर जा रहा होगा ना तो वो अपना तारुफ खुद करा रहा है। <laughs> भाई चले एक, एक भाई मुझे मिले थे अभी ना मैं उम्र पे गया था ना तो वो हर हर थोड़ी देर बाद ना मुश्कात भाई ये मैंने मैंने ये ये दिखे, ये किया मुश्कात भाई कहा भाई आप कुछ ऐसा करें कि आपको मोबाइल में दिखाने की जरूरत ना पड़े मैं खुद आपको बोलूंगा यार आप कुछ हो जो लोग ज्यादा दिखा रहे होते हैं अपने आपको शो कर रहे होते तो वो कुछ होते नहीं अंदर से सही और जो नहीं होते जो होते हैं उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं कुछ हूँ

क्योंकि मुझे ये फील्ड ही पसंद नहीं है माहौल अच्छा नहीं है माहौल अच्छा नहीं है अच्छा। क्योंकि मैं जा चुका हूं थोड़ा सा प्रोडक्शन साइड पे अमूमन कहते हैं कि लड़कियों के लिए ये माहौल या ये फील्ड ठीक नहीं है नहीं लड़कों के लिए भी सही नहीं है देखें आ, अब मैं क्या तबसरा करूँ लेकिन ये कि ये फील्ड जो है ना मतलब सही नहीं है <laughs> अच्छा <laughs> मतलब मुझे लगता है कि इस तरह जो मेरा अपना ओपिनियन है बाकी ये कि हर बंदे का अपने भाई अभी अगर ऑफर आए फाद मुस्तफ़ा का यार मैं यारूम अफरा या फोर बना रहा हूँ मुझे लगता है कि जिसकी जो फील्ड हो ना उसको वही काम करना चाहिए अच्छा। और फील्ड अच्छी होना ना होना ठीक है ये एक बात की डिबेट है जी। लेकिन मुझे लगता है ये मेरा मेरा ये काम नहीं है नहीं जाएंगे अब आप काम नहीं है मुझे एक, ये काम एक आता मसला मुझे लगता है इसमें न, उस फील्ड में आपको डायरेक्टर के हिसाब से चलना पड़ता है यहाँ पर हम खुद डायरेक्टर होते हैं हमें जो चीज़ दिखानी है ना हम खुद करते हैं कि ये चीज मुझे दिखानी है तो मैं दिखाऊंगा मेरा अपना प्लेटफॉर्म तो फायदा है सोशल मीडिया का फायदा है डायरेक्टर ने अगर आपको बोल दिया आजकल कल वर्गर लैंग्वेज यूज, यूज हो रही है सही अगर आप नेटफ्लिक्स देखें तो उसमें ऐसी चीजें एल जी टी गेजम इतना दिखाया जा रहा है कि आप ना चाहते हुए भी आपको देखना पड़ रहा है आप कोई भी सीरीज उठा रहे फील्ड में है मतलब आपको ये ये चीजें प्रमोट की जा रही है पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला नहीं की जा रही क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक वो छूट मिली नहीं क्योंकि पता है यहाँ के आवाम का रिएक्शन खराब आएगा लेकिन इंडिया तक ये चीज पहुंच चुकी है

किस मुल्क जा, मुझे सऊदीया जाने का शौक है इस बार मैं आ, आ तो चले गए ना और बार बार जाएंगे इनशाला भी जाएंगे इन तो वैसे कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ पर यार मैं यार मजा आएगा अच्छा लगेगा टर्की जाने का शौक है अकेले है बेगम के साथ आ, इस, देखें अल्लाह जैसे भी ले जाए लेकिन आ, मुझे पर्सनली मैं फर्स्ट टाइम जब गया था जाओगे कभी जाने का शौक है आपके साथ जाऊंगा दोनों साथ जाएंगे दोनों साथ जाएंगे लेकिन वो मसाज वगैरह नहीं कर रहे हैं हाँ, करेंगे कर हाँ, कर कर तो हाँ। <laughs> <laughs> चले हाँ, मिश्त बड़ा अच्छा लड़का है माशा बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा बड़ा अच्छा भाई है आ, और कुछ नहीं कहूंगा अच्छा कोई निक नेम है आपका मिशकात घर वाले बुलाते हैं बाहर वाले बाहर वाले मिशी बोलते हैं मुझे ज्यादातर और घर वाले मिशू बोलते हैं मिशी मिशी तो लड़की को बोलते हैं पता है नहीं अब नाम दे दिया क्या करें मिशी तो भाई, भाई, भाई।, भाई।, हम, भाई मैंने अपने, अपने गैंग का नाम भी तो ये रखा है मिशी गैंग हाँ। सब कहते हैं मिशी मिशी गैंग गैंग दुनिया को कर दो बैंग बैंग वेलकम ना पठान पठानों के घर पठानो में एक ही खाना

अच्छा कभी ऑफर आती है मुझे शादियों की आ, शादियों की बिल्कुल आती है बहुत ज्यादा आती है। करोगे इनशा चार का इरादा है दो का बस अल्लाह जितनी करा लेकिन है, इरादा है। इरादा है। इरादा है। करोगे भाभी देख लें बोली भाई शादियों का इरादा सुना नहीं कुछ शादियों का इरादा है <laughs> <laughs> अलहमदुल्ला नहीं मतलब शादियाँ बोल रहा हूँ शादी तो हो चुकी ना मौका मिलेगा तो जरूर करें ओ, मौके, <laughs> मौके की तलाश में मौके की तक ऑफर्स आई तो है। आती होंगे चाह रहा है शादी हाँ। कर लूं तो बनाओगे बनाओ नहीं नहीं अल्लाह करे वो। नहीं, वैसे, 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 वैसे। मैंने एक बात की माशाल्लाह अल्लाह और जमाल दिया खूबसूरती दी है बहुत ज्यादा लड़कियां मरती होंगी लाजमी विश्वात भाई आप पर मरती है तो इन पर तो फिर जाहिर सी बात है यार विश्वात भाई ये बताओ मशहूर होने के बाद क्या नुकसान उठाने पड़े मशहूर होने के बाद ये नुकसान है सबसे बड़ा कि प्राइवेसी खत्म हो जाती है कहीं ख, खड़ा हो बंदा फैमिली के साथ True. कुछ भी हो ऐसा तो फिर ये कि प्राइवेसी खत्म है True. फिर दूसरा ये कि प्रेशर बहुत बढ़ जाता है एक दिमाग पे प्रेशर यूट्यूब सारे के सारे ना बड़े के शिकार है, के शिकार हैं डिप्रेशन मैं आपको ये ऐसा डार्क साइड बता रहा हूँ जो नहीं बताते हुए कि वो उनको कंटेंट का प्रेशर होता है मसला सबके साथ है नादिर अली के साथ हो सकता है अच्छा मुझे कुछ यूट्यूबर्स ने बताया काफी क्योंकि हमारी बातचीत होती है

हताजमल मकाबिर सही है कि जो लोग कसरत करने वाले हैं तो वो हलाक हो जाते हैं यहाँ तक कि वो

ये हमारे सोशल मीडिया के जितने सेलिब्रिटीज है इनका हिरस बढ़ गई ना हिरस बढ़ गई कॉम्पिटिशन बढ़ गया यार कह रहा है मैं डकी जितना कमा लू डी हाँ। कह रहा है मैं मिस्टर बन हाँ, अब एक एक लड़का होगा ना वो मिस्कात बनने के लिए भी तरस रहा होगा हाँ। लेकिन मिस्कात जो है वो खुश नहीं वो है, कह रहा है मैं पीछे चला वो मैं हाँ वो ये मिस्कात ये बोल रहा है कि मैं डकी बन डकी बोल रहा होगा मैं शाहरुख खान बन शाहरुख खान बोल रहा होगा मैं कुछ और बन जाऊँ इसकी लिमिट नहीं है ना इसकी लिमिट नहीं है तो, की लिमिट खत्म नहीं अल्लाह ने फरमाया ना हत्ता हता मकबर जब कबर में पहुंचेंगे ना तभी तब इन जब मट्टी डल रही है मट्टी डल होगी तो पता चलेगा यार मैंने तो एंजॉय किया ही नहीं मैं तो सिर्फ कामों में ही लगा रहा तो मेरा यह है कि जब भी मैं अच्छा कंटेंट निकल जाता है जब अल्लाह ताला दे देता है तो बड़ी आजी के साथ घूमना फिरना ये वो चीजें रखता हूँ अपनी अपने आप अपनी जिंदगी में भी लगाता हूँ को टाइम देता हूँ वली भाई इसराइल की जो चीजें हैं उसका बाइकआउट करने से क्या मसला हल हो जाएगा फलस्तान आजाद हो जाएगा या फलस्तियों की मदद हो रही है देखिए बाइकआउट करें बिल्कुल करें लेकिन मैं अपने दोस्त को एक पोस्ट कर रहा था वैसे ही मतलब कुछ बाइकआट के सिलसिले में तो उसने कहा आप भी ये कर रहे हैं अच्छा मतलब उसका कहने का मतलब ये था कि यार हम सब सिर्फ यही करेंगे हाँ। मतलब एक बात ना तो लेकिन कही कि अपना अपना कंट्रीब्यूशन जो भी देना चाहे बिल्कुल वो गलत कर रहे हैं और बच्चों के साथ जिस तरह की वीडियोस देख रहे हैं देखा नहीं जाता है बिल्कुल नहीं देखा जाता मैंने तो ये भी देखा मैं कुछ शॉप्स पे गया तो उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स थी वो नहीं रखी वो छुपा के रखी थी मैंने कही वहाँ क्यों रखी है तो कह रहे हैं कि भाई मोहल्ले की खबात गालियाँ देती हैं आगे हमें दुकानदारों को मोहल्ले की गालियां दे रही है कि आपने एक तो हमारी शिकस्त है कि हम इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा पीछे है। है। तो हमने वो तरक्की नहीं की और बायकार्ड का फायदा है अच्छा। ऐसी बात नहीं क्योंकि ये जमाना चल रहा है आ, माशी जिसकी कमर मजबूत है जिस मुल्क की और जिस मुल्क का बिजनेस अच्छा है तो वो आगे बढ़ रहा है तो हम उनको नुकसान जितना पहुंचा सकते हैं हम पहुँचाएँ है क्योंकि वो हमारे मुसलमान भाई पहुंचेगा नुकसान बिल्कुल पहुंचेगा क्यों नहीं पहुंचेगा अच्छा काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है ऑलरेडी यार किसी ने कहा कि हम जिन गाड़ियों में सफर करते हैं ये अगर हम सारी इसके बारे में मालूम लें इसकी सीट्स इसके इंजन इसके सारे जितने भी स्पेयर पार्ट्स है घड़ियाँ हो गई हमारे कपड़े जिन मशीनों में बनते हैं ये सब इसराइल की मशीनें और इन पर बनती है हम लोग तो शुरू से लेकर आखिर तक इसी में फंसे हुए नहीं ऐसा नहीं है कि टोटली स्टाइल पे बहुत सारे ममालिकोडक्ट वॉशरूम के साबुन से लेकर शैम्पू से लेकर सारी चीजों तक हम उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं क्या ये ये हमारी शिकस्त है हमने एक एक की, एक साबुन बनाया बिल्कुल ये हमारे मुसलमानों की शिकस्त है और हाँ। बिल्कुल ऐसी शिकस्त है हमारे मुसलमानों की और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है करना चाहिए नहीं कि हमें हर फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए अपने मुल्क को आगे लेकर जाना चाहिए और दूसरी बात यह है कि हमें जिहाद भी करना चाहिए अच्छा बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि ये जमाना ऐसा है कि जिहाद फर्ज है और आप ने फरमाया कि पाकिस्तान आ, में फर्ज है, है क्यों नहीं है आ, कोई आलिम उलमा कहते हैं इस पर अब मुझे उलमा का नहीं पता लेकिन ये कि मेरे हिसाब से तो है क्योंकि आप क्यूँकी ने फरमाया कि हर दौर में मुसलमानों की एक जमात जिहाद कर रही होगी अच्छा तो अब कयामत तक जिहाद चलता जिहादा ने पूछा था ना कि वो कौन लोग होंगे तो आपने फरमाया कि वो बेतुल मुकदस के इर्द गिर्द के लोग होंगे बिल्कुल तो फलस्तनी है ना बिल्कुल वो जिहाद कर रहे हैं इसराइलियों से लड़ रहे हैं वो पत्थरों से मार के उनके टैंकों का मुकाबला कर रहे हैं देखो यार और मैंने ऐसा सुना है कि किसी ने पत्थर उठाया बिस्मिल्लामान रहीम पढ़ के फूका पत्थर पे टैंक में मारा टैंक फट गया उसने बम का किरदार अदा किया उस पत्थर ने लेकिन वही हाँ की मदद भी तो है ना फिर यानी यही है कि हजरत इब्राहिम की आग को जो है ना वो जलाने के लिए शायद गिरगिट या छिपकली के बारे में आते फूके मार रही थी लेकिन उसकी फूंक से कुछ होता नहीं लेकिन उसने अपना इतना किया कि फूंके मारू इसको भड़का दू लेकिन चिड़िया जो है उसके पानी लाने चोंच में कितना पानी आएगा वो डालना चाह रही थी कि आग बुझ जाए उससे बुझेगी नहीं आग लेकिन अपना इतना किरदार अदा ने उसको अजर दे दिया होगा तो इसी तरह मुसलमानों को भी अल्लाह ताला कम से कम नियत तो करें इस चीज़ की हमदर्दी तो रखें जितना कर सकते हैं उतना तो करें कम से कम इमदाद तो भेजें हम वहाँ पर ठीक हम अपने मुसलमान भाइयों की जितनी खिदमत कर सकते हैं करें और ये मुसलमानों के बेहसी है इस वक्त मुसलमान जितने स्ट्रॉग है कभी नहीं हुए होंगे आप हमारा सऊदी अरब देख लें आप इस तरह के सारे ममालिक देख लें ममालिकनॉमिक्स में मजबूत माशी हालात उनके बेहतरीन है लेकिन ये कि वो इस चीज़ में आगे नहीं बढ़ रहे मदद करने के लिए तैयार नहीं क्यों क्योंकि उनको दुनिया की लालच है मैं मिश्त भाई की इस बात पर एग्री करूंगा कि हमें भी इकनॉमिक वर्ल्ड में अपने आप को ना अपने मजबूत करना चाहिए और इसी तरह हम उनको हरा सकते हैं इसी तरह तो सकते हैं क्योंकि हम खुद अभी इकोनॉमिकल हमारे हालात जो हैं आ, मैंने नेवर सीन इतना वर्स्ट कंडीशन मैंने कभी पाकिस्तान की ना देखी थी ना सुनी थी तो हमें चाहिए अपने आप को पहले रीबिल्ड करें अपने आप को मजबूत करें उसके बाद फिर हम बार आखिरी आखिरी सवाल करता हूँ मैं इसके मुख्तसर से जवाब दे दें बस वली भाई कभी किसी ने घर में रिश्तेदारों में ऐसा कहा क्या टाइम ज़ाय कर रहे हो क्यों बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो क्या लगे हुए ऐसे फालतू नहीं मुझे बड़ी सपोर्ट रही है इस चीज़ की अच्छा, मैं वाली की मैं तरफ से अब बहुत ज़्यादा आपको तो पता है कि मुझे वाले साहब की तरफ से बहुत सपोर्ट रही है और उन्होंने मुझे यहाँ तक कि मैं, मैं अपने लिए कभी छुपके से फार्मी अंडे लाता था ना तो मेरे अबू देख लेते दे थे तो वो गिरा देते थे, थे उन्होंने अच्छा, मुझे फार्मी मुर्गी ना फार्मी अंडे खिलाई नहीं मुझे मुझे ठीक है कितने बच्चे है दो माशाल्लाह दो बेटी और क्या इरादा है कितने बच्चे होने बच्चों बीस पच्चीस होंगे हाँ इनशाला तो अच्छा रखना चाहिए ना नहीं, बहुत सारी बेगमात से इनशाला

इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को जानते होंगे क्या कहते हैं उनके बारे में नहीं जानते नहीं जानते जानते <laughs> इंजीनियर में नहीं जानते यार बस यही जवाब भाई आप इंजीनियर के बारे में कहना चाहता हूँ कि वो जो भी है दलाल वगैरह बड़े देते हैं लेकिन बैठने के लिए तैयार नहीं होते अच्छा अगर उनको हिम्मत है तो बैठे ना उलमा के साथ बैठे बात करें ठीक है मतलब यानी कि स्ट्रॉन्ग आलिम नहीं है स्ट्रॉन्ग देखिये एक यूट्यूब पे कैमरा लगा हुआ है बातें कर रहा हूँ मैं अपने हिसाब से कुछ भी बोल रहा हूँ कटिंग कर रहा हूँ इसमें ये तो आसान है ना आप किसी के साथ बैठो जब मुफ्ती साहब गए थे वहाँ पर साहब गए थे तो उनको साथ बैठना चाहिए था ना हाँ। उन्होंने दो दिन का टाइम दिया था कि दो दिन का टाइम है आप सिर्फ बैठने की डेट बता दो ठीक है कोई ही नहीं आया तो इसका मतलब थी कि आप जो है कमजोर हो और सिर्फ आप उम्मत में फितना फैला रहे हो अच्छा अभी जो मुफ्ती अनिफ कुरेश और हमारे एक एंकर पर्सन है उवैस रब्बानी साहब ये गए उनसे तो आप क्या समझते हो ये उसी लेवल का था जैसे मुफ्ती आरिफ मसूद साहब गए थे उस लेवल का तो नहीं था वो तो एक मुफ्ती साहब की अलग है क्योंकि मुफ्ती साहब की फैन फॉलोइंग सबसे बहुत आगे की चीज़ है अच्छा और मुफ्ती साहब के साथ चूंकि एक चल रहा था मामला उनका क्लैश चल रहा था तो अगर साथ बैठते तो अच्छा होता अच्छा। पता चलता कि किसकी बात सही है किसकी गलत है बात खुल के सामने तो आती अब वो एक बंदा बैठने के लिए तैयार ही नहीं तो उसकी शिकस्त थी ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया मिश्त भाई वली भाई बहुत सारी और बातें करनी थी लेकिन वक्त ऐसे गुजर गया पता ही नहीं चला जजाकल्ला आप दोनों आए अल्लाह आपको जजाय खैर दे या सिर सी पॉडकास्ट देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को इसी तरह विजिट करते रहें देखते रहें और इनशाला इस उम्मीद पर दोबारा मुलाकात होगी कि एक नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होगी अपना बहुत सारा ख्याल रखें पाकिस्तान जिंदाबाद असल वरम्ला